शिवपुरी जिले की बैराड़ थाना क्षेत्र में साइबर ठग ने एक बीएलओ को ठगी का शिकार बना लिया। साइबर ठग ने खुद को निर्वाचन अधिकारी बताते हुए ग्राम गोंदोलीपुरा के बीएलओ रामप्रकाश जाटव को फोन लगाया और उसके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कराकर बीएलओ को अपने जाल में फंसाकर साइबर ठग ने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए उड़ा लिए। ठगी के शिकार हुए बीएलओ ने इसकी रिपोर्ट बैराड़ थाना पहुंचकर दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने साइबर सेल को मामले की जानकारी देकर जांच शुरू कर दी है। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो ठगी हुई है ये क्या कुछ मामला है? ये मामला ये है कि हम स्कूल से आए थे 4:30 बजे, तो उसी समय ये कॉल आया था हमारे लिए। तो उसने बताया कि मैं निर्वाचन कार्यालय से बोल रहा हूँ, SDM कार्यालय से, तो कि जो आपका 6 और 7 नंबर जो काम चल रहा है, यानी गर्न जो ऐप है हमारा, तो वो गर्न ऐप ख़त्म हो चुका है और आपको तत्काल जो है जी काम करना है। सर बताइए, तो वो बोले कि आपको एनीडेक्स के कोई ऐप है, एनीडेक्स ऐप कि इसको डाउनलोड आपको करना है। तो सर वो कल इससे पहले एक दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, तो उसमें भी हमें मतलब ऐसे दबाव से मिले तो कि हमें काम करना जरूरी है, तो हमने कुछ नहीं देखा, जैसा वो कहते गए वैसा हम करते गए। तो बाकी बाद में जो है हमने ये ऐप डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में ये पूरा काम हो गया। इसके बाद में जो है हम लोग, मुझे शक हुआ, तो मैंने जो हमारे बीएलओ और भी लोग हैं साथी लोग, तो उनको कॉल किया था मैं, सर आपके लिए कोई निर्वाचन कार्यालय से कोई कॉल आया है क्या? तो बोले कि हमारे लिए नहीं आया। तो मैंने और कुछ लोगों को और किया, तो बोले कि हमारे लिए किसी के लिए कोई कॉल नहीं आया। तो इस समय मुझे शंका हो गई थी कि जो कोई मुझे फ्रॉड लग रहा है। जब फ्रॉड लग रहा है तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठा के वो बाजार गया, बाजार में फ्यूचर बैंक में पहुंचा, वहां मैंने देखा तो उसमें 50,000 रुपये माइनस हो चुका था मेरा, और मैंने बैलेंस का मुझे पूरी तरह से पता नहीं था, क्योंकि बेटी की शादी थी, तो मैंने 5-7 महीने से बिल्कुल अपना बैलेंस भी चेक नहीं कराया था, ना मैंने वेतन निकाली थी। और आपने खाता बंद करवा दिया था आपका? हाँ, मैंने फिर इसके बाद में जब वो पैसा माइनस हो गए उसमें से, मैंने उससे वो स्टेटमेंट निकलवाया। उसके बाद में मैंने यहाँ स्टेट बैंक, उनके लिए तोमर साहब थे, कौन थे, उनके लिए मैंने कॉल किया, तो मैंने रात में ही अपने खाते को बंद करवा दिया था।